हाँ भाई बताओ कौन हो आप? पुलिस वाले हैं। भाई इसे क्या किया आपने? भाईजान इसे क्या किया मुझे ये बताओ, आपने इसके साथ किया क्या? पहले मुझे ये बताया आपने क्या किया? मुनफरिद दिलचस्प और हैरत अंगेज वीडियोस को देखने के लिए न्यूज ऑन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, यहाँ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का केस हुआ है। वो ये है कि एक लड़के को पकड़ कर जो है यहाँ के रिहायशी है या पता नहीं कौन है, अभी तक उन्होंने मुझे अपनी आईडी नहीं बताई। वो एक बंदे को बिला वजह मार रहे हैं और उसकी हालत जो है वो काफ़ी गैर हो गई है, और ये अपने आप को पुलिस वाले बता रहे जबकि इन्होंने अपना कोई आईडी कार्ड वगैरह भी नहीं दिखा रहे और मेरे से बात भी नहीं कर रहे कि ये कौन है। तो इनसे पूछते हैं कि भाई ये कौन है। हाँ भाई बताओ कौन हो आप? बताओ ना, पुलिस वाले हैं, मुझे पता है पुलिस वाले इधर है। हेलो, ये देखे जी बिल्कुल नहीं बता रहे, वो भाग रहे उधर, देखे उधर कैमरामैन उधर दिखाए कि ये बिल्कुल नहीं बता रहे कि ये पुलिस वाले या कौन है। सिविल में आके एक बंदे को, एक इंसान को जो है ये मार रहे हैं। मुझे बताया आप पहले मार क्यों रहे हैं? इनका कहना यह है कि वो डकैत है, लेकिन इनके पास कोई भी प्रूफ नहीं है, कोई FIR उसके खिलाफ नहीं कटी हुई, कोई पुलिस की गाड़ी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये बंदा यहाँ आप देख रहे हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है, और ये कोई जवाब नहीं दे रहे हैं जी। मैं अब आपको बंदे की कंडीशन भी दिखा दूँ। ओ हो इधर दिखाएं, ये देखे, एक सेकंड भाई पीछे मुझे हाथ ना लगाना। वो देखे जी उसकी हालत, उस बंदे की हालत देखे। मकबूल अंदर जाओ, मकबूल अंदर जाओ। ओहो इसे क्या किया? ओ भाई पीछे हो जाए, ओ भाई ये कौन है? लड़के इधर आओ, मुझे ये बताया आपने रिपोर्ट लिखवाई है? टेंशन किसकी है आपकी, ये क्यों बंद कर रहे हैं आप? ठीक है, दो मिनट। आपके पास कोई सबूत है? आपने हाँ है, नहीं मारना नहीं। हेलो, हाँ जी जी आप ये देख रहे हैं, ये इस वक्त लड़के की हालत देख। ओ भाई इसे क्या किया है? भाईजान इसे क्या किया है? इसे क्या किया क्या है भाई? इसे क्या किया आपने? भाईजान इसे क्या किया मुझे ये बताओ, आपने इसके साथ किया क्या? पहले मुझे ये बताया आपने क्या किया? मोबाइल की लाइट चलाओ। आपने इसके साथ किया क्या पहले मुझे ये बताए। ये मर जाएगा, एम्बुलेंस को फोन करें। इधर बताए ना फिर, इधर मेरे को ना। इसके मरने का कौन, इसके मरने का जिम्मेदार कौन है? इसे पानी तो पिलाओ, क्या करे? आप कौन है, है? जगह दे। यार ये भी इनके साथ है, इधर लेके आओ, ये बंदा भी इनके साथ है। मकबूल इधर लोग हैं, ये बंदा भी भाई ये कौन है, ये कौन है? आप उनसे पूछ रहे हो भाई दूसरे? आप इसे क्या कर रहे हो? मुझे आ रहा हूं, उसको पानी पिला रहा हूं। ये मर जाएगा? नहीं मर, अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह कोई नहीं, पानी पिला। इसके साथ ऐसा जुल्म क्यों कर रहे हैं? हमने कुछ नहीं किया इसके साथ। ये कौन है? कुछ भी नहीं, उसे वो उससे पूछना आप। आप मुझे बताइए है कौन? मुझे नहीं पता, आप उससे पूछ लें। आप इसे पानी, भाई ये कौन है? यहाँ जो खड़े हुए थे लोग, पता ये कौन है? गाड़ी आ रही है, आपको अभी बता देते हैं। सारा आपको इंटरव्यू देके जाए, मुझे अभी बताए ना, एक बंदा मार रहा है मेरे सामने, आप मुझे बताए इसे क्या हुआ है? इसे कुछ भी नहीं हुआ, ये सिर्फ जानबूझ के ये सांस खींच रहा है। आप लोग, आपने इसे पकड़ा क्यों है? इसकी वजह क्या है? इसने क्या जुर्म किया? बताता है आपको भाई, इसने जुर्म क्या किया वो बताता है आपको। भाई मुझे बताओ इसका जुर्म क्या है? पता है आप ही, मुझे नहीं पता।
उसे पता। तो आप इसके साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हो? आ रहा हूं। ये इंसान नहीं है। मैं उसको पानी। भाई उठो, मुझे बताओ क्या हुआ है, क्या हुआ है? क्या किया? कपड़े पकड़ ले, कुछ भी मैंने किया, पकड़ कर ले। उठो, खड़े हो, कुछ नहीं होता, खड़े हो भाई, आप जो भी हो आप खड़े हो, कुछ नहीं होता आपको। आज भाई ये उठाओ ही नहीं यार, कोई मेहरबानी करे इन पे, उठाए इन्हें, थोड़ा ख्याल करे, इंसान है वो, उसे उठाए, उसे बैठाए तो सही कम से कम, वो जो भी है उसका जो भी जुर्म है उसे बैठाए तो सही। इसे बाहर लेके आओ, बाहर लेके आओ भाई, बाहर लेके आओ। किसने मारे? कौन है? चले जी, कौन आया, कौन आया? जगह दे। भाई पहले मेरी बात सुन के आपने इसे लेके जाना है, कौन हो आप? ठीक है, बताते हैं। इधर बताए ना पहले मुझे, नाम क्या है, नाम क्या है आपका? ये देखे जी, ये लेके जा रहे हैं और ये नाम भी नहीं बता रहे। जी नाजरीन, गाड़ी पुलिस की आई है और वो तीन चार बंदे थे उसके अंदर, यूनिफॉर्म पुलिस के पहने हुए थे, मुझे नहीं पता कि पुलिस वाले थे या नहीं थे। वो उस बंदे को उठा के बगैर हमसे बात किए, बगैर अपना नाम बताए, बगैर कुछ बताए, जो है उस बंदे को उठा कर ले गए हैं। उस बंदे की कंडीशन मैंने आपको दिखा दी, अगर इस बंदे की जान जाएगी तो ये सारी जिम्मेदारी जो है इन लोगों की है जिन्होंने अपना बयान नहीं दिया और ये भी नहीं बताया कि वो कौन है, वो दकैत है, वो चोर है, ये उसकी क्या सजा है। यहाँ के जो गवाह है जिन्होंने सारा मामला अपनी आंखों से देखा, उनसे भी पूछते हैं कि क्या मामला है भाई, क्या मामला था? बस स्टाफ से पकड़ा था इनको। उसने किया क्या था? कोई पता नहीं। उसके पास पिस्तौल वगैरह कुछ थी? कोई चीज नहीं मिली, कोई चीज नहीं मिली। कोई चीज थी उसके पास? कोई चीज भी नहीं थी। इन्होंने उसके साथ क्या किया? बस पकड़ के ले आए, बाद में गाड़ी मंगवा ली, वो बाकी आपके सामने हुआ जो कुछ हुआ। तो आपको लग रहा था उस लड़के से कि वो कोई दकैत है, कोई चोर है, कोई इस तरह का बंदा है? कोई प्रूफ नहीं दिया उन्होंने, कोई प्रूफ नहीं दिया ना, कोई प्रूफ हो तो पता चलता ना, कोई प्रूफ नहीं दिया। इस तरह पुलिस वाले आएंगे जब मर्जी, जिस मर्जी को उठा के ले जाएंगे? नहीं, इस तरह तो नहीं होना चाहिए, गलत काम पहले प्रूफ देना चाहिए फिर ये बात करनी चाहिए। तो इस तरह आपको भी लेके जा सकते हैं, फिर क्या करोगे? गलत कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं भाई। क्या मामला हुआ था? मामला ये हुआ था, सड़क पे जा रहे थे तो यहाँ खड़े हो गए ना, उसके साथ बदतमीजी की है, उन्होंने मारा मुना भी है, इसको मारते हुए अंदर ले गए। सड़क पे जा रहे थे बाइक के ऊपर लेके जा रहे थे तो जाते जाते इधर रुके हैं तो उनको पकड़ के ले गए अंदर मारते हुए। के पास कोई पिस्तौल कोई चीज थी? कुछ भी नहीं था। कोई असला था? कुछ भी नहीं था। वो किसी तरह से तकैद लग रहा था आपको? बस वो नशा और बंदा था और कुछ भी नहीं लग रहा था फिल वक्त। इस तरह पुलिस जिस मर्जी को उठा के ले जाएगी, ये है अब आपके सामने जो कुछ हुआ है जी। बिल्कुल, आपने यानी शाहिदीन की बात सुनी है कि उनका कहना यह है कि उसके पास कोई असला नहीं था, कोई पिस्तौल नहीं थी, कुछ भी नहीं था। और मैंने भी आपको लाइव सारा कुछ दिखाया है कि अगर उस बंदे के पास कोई ऐसी चीज़ होती या जो उसका हशर हो रहा था, जो उसका हशर किया हुआ था, जिस तरह उसे ज़मीन पर लिटाया हुआ था, किसी जानवरों के साथ भी ऐसा सलूक नहीं किया जाता जो इन लोगों ने उस बंदे के साथ सलूक किया था। तो मैं तो अभी स्पीचलेस हूँ इस बारे में, क्या कहना, जो भी कहना, इस चीज़ का फैसला आपने करना है। तमाम इसके एविडेंस प्रूफ इनकी जो चौकी है जहाँ ये लेकर गई है, ये सारे जवाब जो है ये हासिल करना हम सबका हक बनता है। तो इसके बारे में मजीद तहकीकात की जाएगी। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ ऑन, अल्लाह हाफिज़।